माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, उनका क्या कार्य है तथा वे कितने प्रकार के होते हैं। तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इनके द्वारा ही बनती है। कोई भी प्रोग्रामिंग जिसमें ऑपरेटर हो, एक्सप्रेशन हो और स्टेटमेंट पाया जाता है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। इसके बिना प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जो हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड का संग्रह होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेटर और ऑपरेंड का संग्रह होता है, उसके द्वारा मिलकर बना होता है, जिसका प्रयोग हम लोग वेरिएबल और वैल्यू पर अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग अगर टाइप करते हैं तो उसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेटर जो होते हैं वेरिएबल और वैल्यू को लॉजिकल तथा अरिथमेटिक तरीके से उसको यूज करते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड होता है जिस पर ऑपरेटर अपना प्रभाव डाल सके, उसको ऑपरेंड कहते हैं। पाइथन में तीन प्रकार के ऑपरेंड हो सकते हैं, यानी ऑपरेटर तीन प्रकार, ऑपरेंड के अनुसार ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, ये क्या है? यूनरी। दूसरा बाइनरी और टर्सरी। यूनरी, बाइनरी और टर्सरी, ये ऑपरेंड के आधार पर है। ऑपरेंड जो जिस पर ऑपरेटर का कोई प्रभाव पड़े उसको ऑपरेंड कहते हैं। यूनरी में सिंगल ऑपरेंड होता है, एक होगा। कोई कौन सा ऑपरेंट होगा? कोई एक होगा। बाइनरी में दो ऑपरेंट होंगे, जैसे ए प्लस बी हो गया या जो भी हो, एक्स प्लस वाई ऐसे हो सकता है। टर्नरी में थ्री ऑपरेंट, तीन ऑपरेंट होते हैं जिस पर ऑपरेटर का प्रभाव पड़ता है। ये तो ऑपरेंड के नंबर के अनुसार हम बता रहे हैं कि ऑपरेटर तीन प्रकार के हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। पहले वाले में सिंगल होगा ऑपरेंड, जैसे इसमें हो गया ए। दूसरे वाले में हो गया ए प्लस बी। तीसरे वाले में कुछ और हम लिख सकते हैं। तो तरह तरह के ऑपरेंड हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर का मेन कार्य क्या है? वेरिएबल और वैल्यू को पर काम करना। ऑपरेटर एक प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है जो कई प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर ऑपरेंड के अनुसार, यहाँ पर यूनरी में एक है ऑपरेंड, ये है ऑपरेंड, और बाइनरी में दो है। इसी प्रकार टर्नरी में तीन हो सकता है, तीन ऑपरेंट्स हो सकते हैं जिस पर ऑपरेटर अपना प्रभाव डाल सकता है। अब तरह तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं। जैसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक यानी अंकगणितीय। अंकगणितीय ऑपरेटर्स पहला है। दूसरा है कंपैरिजन
और उसको ब्रैकेट में रिलेशनल यानी उसको दो नाम से संबोधित कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कंपैरिजन करे, किसी दो चीज़ों की तुलना करे। इसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लॉजिकल, कोई लॉजिक चीज़ है, लॉजिक यूज करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बिट वाइज मतलब बिट क्या होता है, 0 और 1, उससे संबंधित अगर कोई चीज़ है तो बिट वाइज ऑपरेटर हो जाएगा, उस पर प्रयोग किया जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, पाइथन में इतने प्रकार के ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको रिलेशनल भी कहते हैं, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेकिन ये तो तरह तरह के ऑपरेटर हुए, और अपरेंड के नंबर के अनुसार 3 ही ऑपरेटर हैं, जैसे हम लोग यूनरी सिंगल, बाइनरी 2 होगा, टर्नरी में 3 होता है। तो ऑपरेटर समझ आ गया, ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेंड पर अपना प्रभाव डालता है, जो वेरिएबल और वैल्यू पर कार्य करता है, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन या तरह तरह के इसमें ऑपरेशन कर सकता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पाइथन की बात है और किसी चीज़ में, सब में यही चीज़ होता है, यूज की कर सकते हैं हम लोग। पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट से मिलकर कोई भी लैंग्वेज हम लोग कुछ भी बनाते हैं, जिसमें आज का टॉपिक क्या था, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जो है उसका मेन कार्य क्या है, ऑपरेंड पर अपना प्रभाव डालना और उस अपने अनुसार उस पर कार्य कराना। ठीक है, तो ऑपरेंड के नंबर के अनुसार 3 तरह के हैं और कई तरह के ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको केवल ऑपरेटर के बारे में बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में एक एक वीडियो में आपको सारा डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा। और इसको आप लोग सुनिए, देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी तक आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके हित में है, आपके ही कार्य में सहयोग करेगा। कभी भी मैं अपना नया वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।